हाय शख्स। हेलो। हर माँ का सुबह सुबह एक कॉमन सरदर्द होता है, आज टिफिन में क्या जाएगा। और सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी होती है कि आप कई बार डालते हैं ब्रेड, जैम, नूडल्स और चिप्स जैसी अनहेल्दी चीजें। एक बार बच्चे स्कूल चले गए तो फिर सताती है गिल्ट, काश मैंने कोई न्यूट्रिशियस स्नैक डाला होता। इस गिल्ट को हटाने आ रहा है ग्लैडफुल। हाय शख्स, मेरा नाम है पारुल और मैं दो बहुत ही क्यूट बच्चों की मम्मी हूँ। हाय शख्स, मेरा नाम मनु है और मैं उन्हीं दो क्यूट बच्चों का मामा हूँ। हम दोनों हैं जयपुर से और हम हैं को-फाउंडर्स ग्लैडफुल के। ग्लैडफुल है इंडिया का पहला फैमिली फ्रेंडली प्रोटीन ब्रांड। इसमें हम बना रहे हैं पावर पैक प्रोटीन कुकीज, प्रोटीन ब्रेकफास्ट मिक्सेस, डेजर्ट बाइट्स और बहुत कुछ। आज इस ब्रांड की जरूरत इंडिया में क्यों है, वो इसलिए क्योंकि 73% इंडियंस डेफिशिएंट है प्रोटीन। हम सबको लगता है कि दो कटोरी दाल और हो गया दिन का प्रोटीन, बट ये एक्चुअली गलत है। अगर आपका बच्चा 30 किलो का है तो उसको लगभग 30 से 40 ग्राम रोज प्रोटीन चाहिए। इसी चीज के लिए हम ला रहे हैं प्रोटीन बच्चों के पास और उनके पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स को अगर छोटी छोटी भूख दिखती है बच्चों में तो वो रह सकते हैं निश्चिंत, क्योंकि ग्लैडफुल के हर सर्व में है 4 से 6 ग्राम प्रोटीन। हमारा हर प्रोडक्ट लॉन्च से पहले हमारी 350 मदर्स की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से अप्रूव होके जाता है। लॉन्च के 9 महीनों में ही हमने 60,000 यूनिट सेल कर दी हैं अभी तक। आप हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट Amazon, फर्स्ट क्राइ, Flipkart जैसे कई मार्केट प्लेसेस पे खरीद सकते हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं जो एक इंडियन फैमिली रोजाना खाती है, उसे ऑलरेडी आदत है, जिसे हम देश की प्रोटीन सफिशिएंसी की तरफ जा सके और इंडिया को मजबूत बना सके। हमारी आस्क है 50 लाख रुपए फॉर 2% इक्विटी। आइए हमसे मिलिए और बनाइए देश को प्रोटीन सफिशिएंट, क्योंकि भारत की हर मॉम होगी ग्लैड विद ग्लैडफुल। मनु एंड पारुल, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। आपने बताया भाई बहन है। Yes. तो आप लोग कहाँ से, आपकी परवरिश हुई, कहाँ पे थे, कौन सी एरिया में थे? हम लोग एक्चुअली जयपुर से हैं। स्कूलिंग वगैरह सब वहीं से हुई है? दोनों सेम स्कूल से हैं सर। मैंने पहले इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, उसके बाद मैंने MBA किया, उसके बाद मैंने 15 साल कैडबरी में काम किया। वाओ। जहाँ पे मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, काफी एड्स बनाए। आप ब्रांड मैनेजर थी कि कैटेगरी मैनेजर? जब मैंने 2010 में मार्केटिंग टीम ज्वाइन की तब मैं ब्रांड मैनेजर थी कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क और बॉर्नविल की। मुझे काफी अच्छा। आई लव सिल्क, वन ऑफ माय फेवरेट चॉकलेट्स। उसके बाद मैं जेम्स पोर्टफोलियो और किड्स पोर्टफोलियो मैनेज किया मैंने कैडबरी का। उसके बाद मेरा ड्रीम ब्रांड था कैडबरी डेयरी मिल्क, जिसकी मैं सीनियर ब्रांड मैनेजर बनी। उसके बाद मैं कैटेगरी मैनेजर बनी चॉकलेट्स की, जहाँ पे काफी सारे ब्रांड्स जैसे 5 स्टार, सेलिब्रेशंस, गिफ्टिंग पोर्टफोलियो मेरे अंडर थे। अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपने क्या किया था मन्नू, आपका क्या बैकग्राउंड है? शक, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय एकेडमिक बैकग्राउंड। सर, मैं आपकी पहले एज एन आर्टिकल ऑडिट भी कर चुका हूँ। रियली? देखो, यस सर। कच्चा चिट्टा बताओ। सब बता दो आज। सबसे कूलेस्ट ऑफिस था 2013-14 के टाइम, जहाँ पे फुसबॉल थी, गेमिंग का इनका कार देखोगा। हाँ सर। आप कौन थी, सुगानी जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? ये आपने स्टार्ट कब किया आप लोगों ने? लास्ट ईयर हमने क्विट किया। हम लोगों ने बेसिकली रिसर्च किया 8-9 महीने, जनवरी के अंदर हमने लॉन्च किया है प्रोडक्ट। जनवरी 22 अभी इस साल। यस सर। हाउ कम सडनली स्टंबल्ड अपॉन प्रोटीन? कुछ हुआ, मतलब डेफिशिएंसी आई, कहीं कुछ बात हुई, क्या हुआ? 2019 के बाद मैं घर पे रहती थी, मतलब इससे पहले मैं हमेशा करियर वुमन रही थी। तो उस टाइम पे मेरे बच्चे थे 6 साल और 9 साल के, बड़ा वाला बेटा 9 साल का था। उसके बार बार जैसे फ्रैक्चर्स हो रहे थे, कट्स लग रहे थे और हील करने में बहुत टाइम लग रहा था। 3 से 4 बार मुझे पीडियाट्रिशियन ने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर प्रोटीन, डू यू नो हाउ मच इज रिक्वायर्ड। तो मैंने इंटरनेट से प्रोटीन कैलकुलेटर निकाला और लिखना चालू किया रोज कि चलिए 5 ग्राम एक दूध के गिलास से 4 ग्राम। और 10-15 ग्राम से ज्यादा नहीं निकला होगा? उसका रिक्वायरमेंट था 44 ग्राम, हम दे रहे थे 20 ग्राम। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये मैंने कुछ बहुत बड़ा गलती कर दी। मैं जैन सोसाइटी में रहती थी और मैं बहुत सारे जैसे नेबर्स और फ्रेंड्स से बात किया और उनका एक्चुअली मैंने फिर स्टार्ट किया कैलकुलेट करना कि उनके बच्चे कितना प्रोटीन लेते हैं। तो रियलाइज किया कि ये बहुत ही एक वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है, तो एक एक अपॉर्चुनिटी दिखा मुझे। इंडियन माइंडसेट में जो नॉन नेचुरल फूड्स होते हैं वो मदर्स प्रेफर करती हैं ना दें, तो वो कोशिश करते हैं कुकीज, चिप्स, पैक्ड फूड ना दिया जाए, नेचुरल एग दिया जाए या दाल दिया जाए। तो ये भी चैलेंज है इस इंडस्ट्री में, राइट? जो हमारी 350 मदर्स की कम्युनिटी कहती है, उन्हें मालूम है कि बच्चे
तीन ओकेजन्स में अच्छा खाना खाएंगे। एक ब्रेकफास्ट होगा, एक लंच डिनर होगा, उसमें अच्छा खाना खाएंगे और उसके अराउंड छोटे छोटे दो या तीन ओकेजन्स होते हैं जिसके अंदर वो स्नैक मांगते हैं। वो अनअवॉइडेबल है फ्रेंकली देखा जाए तो। उसमें प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि चिप्स, कुकीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा इंटेंट है कि वो छोटे छोटे जो ओकेजन्स हैं उसमें टेस्ट भी दें और क्यों ना साथ में आप 4 ग्राम प्रोटीन भी ले लें। इनके तो समझ में आ गए ट्रिगर, पर आपका क्या है? I'm just 28 sir and I was diagnosed with diabetes. इतनी अर्ली एज में? Yes sir and that was very alarming time for me. लोअर प्रोटीन का लिंक डायबिटीज से होता है? लोअर प्रोटीन ऑटोमेटिकली मींस हाई कार्बोहाइड्रेट्स। Yes sir. हाई कार्बोहाइड्रेट्स मींस हाई शुगर्स, तो अल्टीमेटली दैट इज लिंक टू डायबिटीज। डायबिटीज अभी डिटेक्ट हुई तो मुझे लगा कि यार ये अब बहुत जरूरी है एंड दैट्स व्हाई आई एक्चुअली जॉइंड पार्मो। मैं प्रोडक्ट्स लेकर आती हूं आपके लिए। हां I like the box. बहुत प्यारा डब्बा है। Ultimately टिफिन में ही जाना है तो हमने सोचा कि टिफिन बॉक्स ही ले। I like burgers, boss की। Unfortunately अमन इसमें बर्गर नहीं है। I want the doggy. तो एक कुकी से हो जाता है काम? जी नहीं, एक सर्व से। तो दो कुकीज का एक सर्व है। Okay. Approximately 16 ग्राम कुकी है, उसे 4 ग्राम ये नहीं बनाते ना? जी टिफिन हमारा नहीं है। बच्चों के लिए ही है, मैं नहीं खा सकता घर पे। बिल्कुल खा सकते हैं। एक चीला के अंदर होता है 8-9 ग्राम प्रोटीन पर सर। आप क्या लेंगे? आप जो देना चाहें। आप लेंगे। ये सुंदर लग रहा है। हम नहीं है अवेलेबल। मुझे आपका चीला बहुत बढ़िया लगा। या आई लव द चीला। थैंक यू। ये किसने बनाया इसके रेसिपीज आपने? मैं अकेली शेफ नहीं हूँ, हम बहुत ही एक्सपीरियंस शेफ के साथ काम कर रहे हैं इसके ऊपर। देखो यहाँ पे ना मास्टर शेफ इंडिया का जो शेफ है, मेन जो टेस्ट करता है वो मैं। अच्छा। अभी तक कोई भी चीज खराब नहीं है, सारी चीज अच्छी है। थैंक यू फॉर द सील ऑफ अप्रूवल। थैंक यू। जैसे मेरे को समझ में 150 रुपए का पैक है, 10 है इसमें, तो 15 रुपए की एक पड़ेगी मेरे को, एक जो मैंने खाई। और सिमिलरली वो कितने की आती है गुड्डे की? 1/5 में मिलेगा शायद। 3 रुपए की एक कुकी आएगी। काफी सिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस है फॉर बीइंग हेल्दी। सिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस है। गॉट इट। मैं आपकी ब्रांड स्ट्रेटजी से समझना चाहता हूं थोड़ा। अभी इट्स नॉट कुकी क्लटर ब्रेकिंग पैकेजिंग, राइट? इट्स सिमिलर। Like if I go to any shop, sabki similar vibe, similar color tonality, sab same lagte hain. To aapne kuch iske upar study kiya tha? Ye jo boxes hain, abhi humne is tarike se design kiye kyunki hame malum hai foreseeable future tak hamara business online rehne wala hai. To humne kuch codes category ke borrow kiye, jaise ki cookie ka look, ek flat color. बॉक्स के ऊपर कन्वे करें कि ये रेगुलर कुकी जैसा है, बिकॉज कंज्यूमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रोटीन कुकी है तो बिल्कुल अलग ही प्रोडक्ट है। थोड़ा सा समझाइए प्रोटीन कुकी का मार्केट कितना बड़ा है। प्रोटीन कुकीज बहुत ही छोटा और नॉन एग्जिस्टेंट मार्केट है। फिर भी रफली इट्स लाइक इट्स जस्ट अबाउट स्टार्टिंग सर। वेस्टर्न मार्केट में बहुत सारी कंपनीज बनी है जो केवल केवल प्रोटीन पे ही फोकस कर रही है और वो ही हजार हजार करोड़ की बन गई है। तो सेल्स के ऊपर आते हैं थोड़ा, सेल्स बताओगे अपनी? 9 महीने के अंदर 1 करोड़ का नेट हो चुका है। महीने हमने 20 लाख रुपए नेट रेवेन्यू पे किया है। इस महीने वी विल बी गोइंग 24 लाख। वेरी गुड यार। तो ये और मोस्टली आपका कौन सा चैनल है? हमारा 90% तो ऑनलाइन है, 20% हमारे वेबसाइट से आता है। Amazon हमारे सेल्स का बहुत बड़ा पार्ट है, अप्रोक्सीमेटली 45% Amazon से आता है। अनदर 25% इज कमिंग फ्रॉम ऑल अदर मार्केट प्लेसेस। अभी आप Instamart Instamart पे अभी जस्ट पायलट स्टार्ट हुआ है 5 सिटीज के अंदर। क्विक कॉमर्स फूड के लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स समझाती है जी कि एक अब जब बेचते हैं कोई कुकी का पैकेट तो उसके क्या खर्चे होते हैं और आप कितना कमाते हो एंड में? पहले एक रफ नंबर दीजिए, 20 लाख में कितना प्रॉफिट बनाया आपने? अभी हम बर्न कर रहे हैं। बर्न कर रहे हैं? जी हाँ। फूड कैटेगरी में क्या प्रॉब्लम है यार? नॉर्मली 50% मार्जिन की कैटेगरी होती है, इसमें मैंने नॉर्मली बहुत रेट देखा है लोगों को बंद करते, 7-8% EBITDA निकाल लेते हैं। देखिए हमारा ग्रॉस मार्जिन करीबन 50% है। ग्रॉस मार्जिन के बाद आप निकालेंगे आप लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड आपके सरचार्जेस जो ट्रेड के होते हैं, उसके बाद हमें 25% बचता है। हम उस पूरा 25% को हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में लगा देते हैं, तो हम CM2 के बाद कुछ नहीं कमाते। देखिए मैं अभी इससे बाहर होना चाहूंगा, इस कैटेगरी में मे बी आई एम नॉट द बेस्ट पार्टनर राइट नाउ, बट ग्रेट वर्क, ग्रेट कुकीज,
ग्रेट प्रेजेंटेशन। चलो हम आपको ना एक ऑफर देते हैं, तो नमिता और हम एक साथ ही ऑफर देते हैं। हमारा ऑफर है 50 lakhs for 10%। Usually D2C brand में it's about 3 times sales. तो currently आपका जो sales है वो पकड़ के about 2.5 times हमने आपको दिया है valuation. आपकी ऑलरेडी राउंड हो चुकी है। Yes, sir. कितने में हुई? 2 crore के करीब रेस किया था दिसंबर के अंदर। What valuation? 11 crores pre money and 13 crores post money. तो हर महीने कितना बर्न कर रहे हैं? पिछले महीने जैसे 20 लाख रुपए पे हमने 7.5-8 lakh rupees बर्न किया। आपको कितनी बड़ी कंपनी बनानी है? हमें इंडिया का नंबर वन प्रोटीन फूड ब्रांड बनना है फैमिलीज के लिए। 5 साल के अंदर मैं इसको 500 crore की कंपनी बनाना चाहती हूँ। आपको ऑफर देते 50 lakh at 13 crore valuation. For 3.84% आता है शायद, ठीक है? शार्क्स में बस ये कहना चाहूँगी कि अभी हमें और भी राउंड्स रेज करने हैं। हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है 8-9 महीनों के अंदर। नहीं, आपका बर्न बहुत है। एग्जिस्टिंग बिजनेस अभी क्विक कॉमर्स पे लिस्ट नहीं किया है, तो अभी जो आप 20 लाख देख रहे हैं पिछले महीने का, वो फटाक से दिसंबर के अंदर 30-35 लाख के करीब पहुँच जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो आई वुड आस्क यू टू रिकंसिडर ऑफर इफ पॉसिबल। मैं आपको सच कहूँ तो मैं ऑफर भी नहीं करने वाला था, बिकॉज आई हैड अ प्रॉब्लम विद द टेस्ट। लेकिन 5 crore में मुझे लगा आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो कम से कम 13 crore तो आपका वैल्यूएशन ले जाना है। मैं भी आपको ऑफर देना चाहूंगा 50 lakh for 3.5%। तो आपकी सच में मदद मैं कर सकता हूँ, मेरे व्यू में ब्रांड मार्केटिंग आपको अच्छे से आती है। जब तक हमने ऑफर दिया ना, हमें पता ही नहीं था कि आपको फंडिंग मिल चुकी है, जो आप हम रिवाइज ऑफर दे रहे हैं। बिकॉज वी आर टू शार्क्स कमिंग इन टुगेदर, वी विल गो फॉर 50 lakhs for 4%। अमित इज एट 50 lakhs for 3.5%। एंड अरुण, मनु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा काम हो गया, मैं आउट हूँ इस डील से। आपके पास 2 अच्छे ऑफर है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। व्हाई आर यू आउट? She's got 2 offers at the right valuation. मैं आपको 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ। जो आपके पास नॉलेज है ना कैडबरीज की, वो ब्रांड बिल्डिंग में बहुत काम आएगी। आपको खाली ऑनलाइन की नॉलेज लेने की जरूरत है, और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को कैसे क्रैक करना है हम सिखा देंगे। इतना कोई बड़ी बात नहीं है। और अपने इन्वेस्टर्स को बताओगे ना कि अमन और नमिता आ रहे हैं, बोलेंगे वाओ यू हैव डन द बेस्ट जॉब। आपके इन्वेस्टर अमित सोच के बोलेंगे धंधा बनाएगा ये यूनिट इकोनॉमिक्स पे। आपने क्योंकि हमारी बुक्स देखी, आपको पता है मैं धंधा बनाता हूँ यूनिट इकोनॉमिक का प्रॉफिट के साथ। आई थिंक आप दोनों ने बोल दिया, अब आप डिसीजन लीजिए। पारुल, अच्छा धंधा बनाना है, मेरे से जुड़िए। आप सीधी बात करता हूँ नमन, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे आपकी एक्सपर्टीज चाहिए। कैन यू प्लीज ज्वाइन अमित इन हिज ऑफर, एज इन 3 of us कम टुगेदर? या Congratulations. We have a deal. Thank you so much. Thank you. बहुत ही अच्छा किया. Thank you so much. See you. Good job. Big woman CEO. Thank you. I'm glad you got a gladful team. Thank you.